तो दोस्तों अभी हमसे एक छोटा सा प्रैंक हो चुका है, हमको लगा कि नर्मदा घाट सेठानी घाट जो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज जो कि दिनांक है 27 मई, और आज हम जाने वाले हैं महाकाल उज्जैन के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, वैसे हम महाकाल से ओमकारेश्वर, फिर बैतूल में बालाजीपुरम है, जहाँ पर भी रास्ते में जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर आज हमने प्लान बनाया है। और ये मम्मी यहाँ पे गाड़ी की पूजा करने आ रही है, और ये पप्पा बैठे हैं, अच्छा पैसे का मैनेजमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे बैग है। चलो हमें गाड़ी की पूजा कर लेते हैं। ये घर पे घर के बाहर जाने से पहले छोटा सा कलश रखना पड़ता है घर में, ताकि भगवान घर की रक्षा करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की पूजा करने के लिए। ये है हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, अभी ये गाड़ी की पूजा हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं घर से। फिलहाल अभी हम हैं हाईवे में, यहाँ से मुलताई जो है 30 किलोमीटर दूरी पर है। स्टेट हाईवे एमपी हाईवे है, जबलपुर हाईवे। और आप देख सकते हैं कि साथ में कौन कौन आया है, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है हमारे विक्की, विक्की भाई है, और ये पप्पा है मेरे, इसके बाद और कौन आया साथ में, ये है सृष्टि, सृष्टि भी जा रही है साथ में, और ये मम्मी भी जा रही है, और ये हमारे भैया रोशन जी भी जा रहे हैं साथ में। और चलिए अभी एक और बंदा अंदर में छुपा हुआ है, इसको दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं ये हमारे प्रिंस भैया छुप रहे हैं। यानी टोटल हम 7 लोग जा रहे हैं, 7 लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, और अभी देखते हैं आगे सफर कैसा होता है। तो फिर यहाँ से हम जाने वाले हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद में माँ नर्मदा की नदी है, वहीं पे स्नान करने वाले हैं। होशंगाबाद जा करके फिर मैं और ब्लॉग बनाऊंगा, तो दिखाऊंगा कि कैसे सफ़र आगे चलता है। तो अभी हम आ चुके हैं एमपी बॉर्डर पे, और एमपी बॉर्डर पे आते थे ये टोल का नाका पड़ता है, वहाँ पे कुछ हमें देखने को मिला है, आपको मैं दिखाता हूँ। वेट थोड़ा सा, देख सकते हैं जो ट्रक था ये, हाँ मैं जूम करता हूँ, देखिए ट्रक जो था डिवाइडर पे चढ़ चुका है। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रक रात को शायद मेरे ख्याल से आया होगा ये, और डिवाइडर पे ये ट्रक चढ़ चुका है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं केसला में, यानी कि जहाँ हम जा रहे हैं होशंगाबाद, वहाँ से 38 किलोमीटर पहले जस्ट अभी सुबह हुई है। और अभी हम सब यहाँ बैठ के केसला में चाय पी रहे हैं। केसला गांव, ग्राम, केसला ग्राम है ये, देखिए सृष्टि, सृष्टि की चाय खत्म हो गई है, ये मम्मी जी की चाय पी रही है, और ये हमारे दो दोस्त राहु केतु, यानी कि एक विक्की और एक ये प्रिंस, ये दोनों वैसे तो बहुत अच्छे मित्र है पहले का वेदांत, और ये दोनों का आना इमरजेंसी में हुआ है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, काफी अच्छा मौसम भी, खुला मौसम है, गर्मी का उतना एहसास नहीं हो रहा है, रात का सफर काफी बढ़िया रहा, और सभी लोग थक चुके हैं, अभी सबको आ रही है नींद, लेकिन फिलहाल अभी 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे होशंगाबाद, फिर वहां बनाएंगे अगला। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अभी बज रहा है सुबह के 7:30 बजे, और हम आ चुके हैं होशंगाबाद में, यानी कि नर्मदापुरम में। अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, सेठानी घाट भी आ रहे हैं, बस सामने में ही है, और सेठानी घाट जो सबसे बड़ा घाट है यहाँ का, बस वहीं जा रहे हैं स्नान करके, फिर हम पूजा करेंगे, और काफ़ी अच्छा एटमोसफेयर है यहाँ का, बिल्कुल समझ लो कि जैसे हम पहुँचे वहाँ बिल्कुल फ्रेश वातावरण है। अभी जाके देखते हैं सेठानी घाट कैसा है, और आपको मैं ब्लॉग की जो सारी जानकारी दूंगा, इस बने रही है इस ब्लॉग में, और पूरा देखिए इस ब्लॉग को, मंदिर कैसा है और अंदर से कैसा है, यदि आप नहीं भी गए होगे तो इस ब्लॉग के थोड़ा दर्शन कर लोगे। तो दोस्तों अभी हमसे एक छोटा सा प्रैंक हो चुका है, हमको लगा कि नर्मदा घाट सेठानी घाट जो है बस कुछ देर पास में ही है, इसलिए हमने क्या किया कि हमारी जो गाड़ी है वो पीछे पार्क कर दी है, और अभी हम पैदल पैदल चल रहे हैं, बट चलते चलते मालूम चला कि सेठानी घाट लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो फिलहाल अभी हम लगभग पहुँच ही गए, बस पास में सामने दिख ही रहा है सेठानी घाट, और ये सृष्टि बहुत उसको एक्साइटमेंट है आने की, तो बहुत आगे ही चल रही है, और हम थके मानने चल रहे हैं पीछे पीछे, और ये हमारे एक भाई काफ़ी व्यस्त है मोबाइल में, काफ़ी टाइम से व्यस्त है, बहुत टाइम से व्यस्त, बहुत बढ़िया है, लग रहा है ऐसा एटमॉस्फेयर काफ़ी बढ़िया है, और लग रहा है कि अपन कोई धार्मिक स्थल में आए हैं, और अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ से।
तो दोस्तों हम अब आ चुके हैं सेठानी घाट के मुख्य द्वार में। जी हाँ, ये जो माता रानी की मूर्ति है, माँ नर्मदा की मूर्ति है, और यहीं से दोस्तों शुरू होता है सेठानी घाट, जो कि काफी इम्पोर्टेंट घाट है इस नर्मदापुरम सिटी का। दोस्तों यहीं पर स्नान आदि करके माँ नर्मदा के दर्शन भी किए जाते हैं, और साथ ही यहाँ पे एक नहीं कई सारे प्राचीन और बहुत ही खूबसूरत मंदिर देखने को मिल जाते हैं। अभी चलिए चलते हैं अंदर में माता रानी के दर्शन के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं सेठानी घाट में, नर्मदापुरम का सेठानी घाट काफ़ी फेमस है, और ये कि मेन मंदिर यहीं पे है सेठानी घाट में। और देख सकते हैं आप गंगा जी, नर्मदा माता यहाँ पे सभी घाट में स्नान करते हुए। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे व्यू, यहाँ पे बढ़िया प्रिंस बाल्टी क्लास देते हैं उनको। और दोस्तों अभी हम भी यहाँ पे स्नान करेंगे, गंगा माता का आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि भीड़ काफ़ी है, भीड़ तो नहीं है लेकिन फिर भी नॉर्मल है। नर्मदापुरम का ये मेन मंदिर है, सेठानी घाट इसका नाम है। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू यहाँ का बढ़िया। ये पूरा 360 डिग्री आपको दिखा रहा हूँ मैं। नर्मदापुरम का ऊपर में मंदिर है, गायत्री शक्ति पीठ का आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी बढ़िया एटमोस्फेयर यहाँ का, क्योंकि ये पूरा लाइन से मंदिर ही है। दोस्तों अब नदी में नहाने के बाद अभी हम हो गए रेडी, और अब फ्रेश होकर के अभी हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। लेकिन दर्शन से पहले कुछ सामग्री लेना है पूजा की, तो मम्मी भी हमारी सामग्री ले रही है सर। आप पूजा पाठ की कुमकुम वगैरह, फूल और चंदन वगैरह ले रही है। अभी सारे सामान को लेकर के हम जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। बहुत ही बढ़िया लगा है माहौल, क्योंकि गर्मी का सीजन है और पानी काफ़ी अच्छा बढ़िया है, कूल वाटर है नहाने के लिए, बहुत बढ़िया मज़ा है एंजॉयमेंट के। लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, वहाँ का व्लॉग नहीं बन पाया है, बट अभी हम जा रहे हैं मंदिर, तो वहाँ पे हो सके तो मैं कैमरा लेके जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा मंदिर। बट स्नान काफ़ी बढ़िया हो गया है, अब देखते हैं आगे का व्लॉग कैसा है। तो दोस्तों अभी हमारे सेठानी घाट के दर्शन हो चुके हैं, क्योंकि मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था, तो कैमरा लेके गया था बट कैमरा ओपन नहीं किया। अब यहाँ से सेठानी घाट से यानी कि होशंगाबाद नर्मदा पुरम से अभी हमको जाना है ओमकारेश्वर, ठीक है। तो ओमकारेश्वर का रास्ता यहाँ से लगभग 270 किलोमीटर के आसपास है, 240-270 आसपास है। अब ओमकारेश्वर जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको आगे का ब्लॉग में दिखाता हूँ। बस एक मंदिर यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, सेठानी घाट का मंदिर आपको मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे गौ माता, और दोस्तों देखिए ये छोटी जो गौ माता है बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही क्यूट लग रही है। और ये मंदिर आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि अंदर में कैमरा अलाउ नहीं था, तो कैमरा लेके नहीं गए थे। तो दोस्तों नर्मदापुरम के दर्शन होने के बाद अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर जो कि नर्मदापुरम से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है, और अब तो ओमकारेश्वर यदि जाना है नर्मदापुरम से तो इंदौर होते हुए आपको जाना पड़ेगा। अभी हम फिलहाल इंदौर रोड पे है, पहले इंदौर आएगा, वहाँ से खंडवा, फिर ओमकारेश्वर मंदिर आएगा। लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है, और दर्शन अभी हमारे हो चुके हैं। बस अभी अगला ब्लॉक बनने वाला है इंदौर रोड में, क्योंकि इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी है, इंडिया की सबसे अच्छी सिटी है, तो वहाँ पे एक ब्लॉक बनाऊंगा छोटा सा, आपको दिखाऊंगा इंदौर कैसा है। यदि आप देखे नहीं होंगे तब तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से इंदौर भी दिखाने वाला हूँ, बने रहिए इस ब्लॉग में। और देखिए यहाँ पीछे में सृष्टि बैठी है, मम्मी है, और पीछे में और दो हमारे जो राहुल के तो बैठे हैं, विक्की और प्रिंस बैठे हैं।